बीजेपी महामंत्री विजय घाटे ने की अभय योजना को 6 महीने और बढ़ाने की मांग। नवी मुंबई मनपा आयुक्त को दिया निवेदन, 15 फरवरी को आखिरी तारीख। बीजेपी के महामंत्री विजय घाटे ने आज नवी मुंबई मनपा आयुक्त को निवेदन देकर अभय योजना की समय सीमा को 6 महीने तक आगे बढ़ाने की मांग की है। बीजेपी महामंत्री विजय घाटे ने कहा कि लॉकडाउन से काम धंधा, नौकरी और रोजगार प्रभावित होने से आर्थिक तंगी है, जिससे अधिकांश लोग चाहकर भी अभय योजना का लाभ नहीं उठा सके हैं। उन्होंने कहा कि अब जबकि काम धंधा कारोबार पटरी पर लौट रहा है, तब यदि अभय योजना को 6 महीने और बढ़ा दिया जाता है तो इससे नागरिक खुशी से बकाया टैक्स जमा करेंगे और मनपा को भी इसका बड़ा लाभ हो सकेगा। कोरोना के बाद आज लोगों की आर्थिक सक्षमता बहुत ही कम हो गई है, तो इस वक्त अभय योजना का लाभ लेने के लिए अगर कोई चला जाता है और बड़ा अमाउंट अगर होगा, 25,000, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया अगर होगा, तो हो सकता है एक वक्त में वो भर नहीं पाएगा। तो इसके लिए अभय योजना के साथ और एडिशन करके उनको अगर अगला 6 महीने का अगर टाइम दे देंगे कि पार्ट पेमेंट वगैरह करके, इंस्टॉलमेंट करके अगर दे देंगे, तो एक राहत लोगों को मिल सकेगी। और मुझे विश्वास है कि ये जनता इतनी सज्जन और सरल है कि वो 6 इंस्टॉलमेंट के लिए धन्यवाद कह के पूरा का पूरा पैसा भरने के लिए लोग रेडी है, लेकिन उनको आपका आधार चाहिए, बस इतना ही मैंने मांग किया है। दरअसल नई मुंबई मनपा का 300 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसमें मूल कर, ब्याज और पेनाल्टी तीनों शामिल हैं। अब योजना में ब्याज और पेनाल्टी पर 75% छूट की घोषणा की गई है। इसके लिए 15 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक 60 दिनों की मियाद दी गई थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण इस योजना को अच्छा प्रतिसाद नहीं मिल सका। ऐसे में बीजेपी नेता का मानना है कि यदि छूट की अवधि बढ़ती है और एक्सटेंशन मिलता है तो इससे नागरिक इसका लाभ जरूर उठाएंगे। 15 दिसंबर 2020 से लेके 15 फरवरी 2021 तक उन्होंने अभय योजना रखी हुई थी, जहाँ 75% वेवर दिया हुआ था, लेकिन इस बार इस दौरान कुछ चीज़ें ऐसी थी, रिटेबल वैल्यू या एरिया के ऊपर डिस्प्यूट्स थे, वो डिस्प्यूट्स जिन्होंने अभय योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्होंने लिखित रूप में दिए हुए, उसकी हियरिंग प्रोसीडिंग वगैरह सब चल रही है, तो अभी तक वो हियरिंग और प्रोसीडिंग के ऊपर कोई भी ठोस निर्णय हुआ नहीं है। और यहाँ पे परसों 15 तारीख को टाइम खत्म हो रहा है, तो ऐसे लोग जो है, जो प्रोसेस में है, तो वो अभय योजना से वंचित रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।